हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। आज का जो अपना वीडियो है वो अपने हैं चालकता मिति जो अनुमापन है उसके जो लाभ हैं उसके बारे में है। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि आपका जो चालकता मिति अनुमापन है या टाइट्रेशन कह दें जो आपका संपन्न किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, उसका विशेष खास यूज किस चीज में है, और फिर अपने इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन इससे रिलेटेड जो टाइटेशन संपन्न किए जा रहे हैं अपन वो इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का अपना वीडियो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज जो क्या बताई गई है कि इसके लाभ की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो पहला जो एडवांटेज है वो किससे रिलेटेड दे रखा है कि ऐसे वीर्य जो सामान्यतः कैसे होते हैं बहुत गहरे रंग के होते हैं। क्या बताया है कि भाई गहरे रंग के जो वीर्य होते हैं उनकी अपन बात करें तो उनके लिए जो सामान्य विधि अपन काम में लेते हैं या जो सामान्यतः अनुमापन करते हैं तो ये जो हम अनुमापन है इसके द्वारा क्या की जा सकती है कि भी यहाँ पर आप क्या देखोगे कि इनमें ये जो अनुमापन है वो संपन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो गहरे रंग है उसके कारण यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक अंततः जो बिंदु आता है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। और मतलब ज्ञात एक तो नहीं किया जा सकता, दूसरी चीज उसमें जो अलग अलग तरीके की जो इम्प्योरिटीज हैं उसका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें अगर यहाँ पर अपन किसका उपयोग करते हैं चालकता मापी अनुमापन या चालकता मापी द्वारा उसका अपन जो टाइटेशन करते हैं तो यहाँ पर इस तरह की कोई बाधा है वो आपको आपके इस अनुमापन में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो रंग है वो कोई विशेष योगदान आपका यहाँ पर नहीं देता। तो अपन क्या समझ सकते हैं कि जो गहरे रंग के होते हैं इनके मध्य जो अनुमापन है वो क्या नहीं है, अभी जो सामान्य अनुमापन होता है ना वो इनमें संभव नहीं है। और संभव नहीं होने का मुख्य कारण क्या है कि इनमें क्या नहीं आता है अंतिम बिंदु कहते हैं या अंततः बिंदु जो है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर अपन बात करें अगर आपका कौन सा अपन यहाँ पर अनुमापन संपन्न करते हैं चालकता मापी अनुमापन, क्या करते हैं आपका चालकता मापी अनुमापन करते हैं तो ये अपन को क्या देखने को मिलेगा कि इस विधि के अंदर जो है आपकी जो रंग है वो कोई खास बाधा उत्पन्न नहीं करता कि चालकता मापी अनुमापन में आपका जो रंग होगा आपकी विलियन का रंग कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, कोई बात उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि चालकता मापी अनुमापन द्वारा जो गहरे रंग के विलयन होते हैं उनका आसानी से अनुमापन क्या है संपन्न करा दिया जाता है क्योंकि रंग उनके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और अंततः बिंदु आसानी से निकाले जाता है। दूसरा एडवांटेज सुना आपका, दूसरा एडवांटेज ये रखा है कि अगर आपका यहाँ पर अत्यंत तनु विलयन है और उनके अपन अनुमापन कर रहे हैं तो सामान्य अनुमापन है उनके लिए उपयोगी नहीं है। किसके लिए? अत्यंत कोई तनु विलयन है अत्यंत तनु विलयन के लिए आपका जो सामान्य अनुमापन है ये क्या है आपके संभव नहीं है। मतलब यहां पर अपन बात करें कि तनु विलयन है वो आपस में अनुमापन में भाग नहीं लेते, मेन तो बात ये है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखिए इसमें उपयोगी नहीं है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि चालकता विधि है वो क्या कर सकती है कि भी इसमें जो अगर बहुत ज्यादा क्या है तनु विलयन है तब भी क्या करेगा आपका अनुमापन संपन्न करा देगा। तो यहाँ पर क्या बात करें कि जो आपका चालकता मापी अनुमापन है ये क्या है इसमें
इस तंग जो विलयन है इसके लिए अनुमापन संपन्न करा देता है कि भाई यहाँ पर सामान्य जो अनुमापन है उसमें ये चीज संभव नहीं है कि तनु विलयनों के लिए अनुमापन हो, लेकिन चालकता मापी द्वारा ये जो अनुमापन है वो आसानी से क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो पहला था आपके आपके गहरे रंग के विलयन के लिए बात करें, दूसरा आ गया आपके तनु विलयन के लिए या कोई बहुत अधिक तनु विलयन है। दूसरी सुनिए, इस विधि के द्वारा आप हम क्या कर सकते हैं, जो अंत है बिंदु है वो क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि अपन क्या कह सकते हैं कि आपकी चालकता माप की जो विधि है इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अंत बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अंत बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। जबकि अपन यहां पर बात करें जो सामान्य अनुमापन है उनमें जो मान आता है इसमें, अगर यहां पर कंपेयर करें सामान्य अनुमापन विधि में आप क्या देखोगे कि यहां पर जो अपन कह रहे हैं कि सामान्य विधि द्वारा जो है इनका अंत बिंदु आता है, तो यहां पर जो नजदीकी मान है वो यहां पर जो है इस विधि द्वारा आपके सामान्य विधि द्वारा ज्ञात होता है, जबकि यहां पर जो है इसमें अंत बिंदु जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें तो आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है ये बिंदु निकालने के लिए, जबकि चालकता विधि में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, चालकता मापी विधि द्वारा अंत बिंदु आपके ज्ञात कर सकते हैं, आपके सामान्य विधि द्वारा भी यही चीज संभव है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मुख्य चीज है वो क्या देखने को पड़ती है कि बहुत सारी सावधानियां हैं वो इसमें आपको अंत बिंदु निकालने के लिए आपको जो है वो देखनी पड़ती है। जबकि चालकता विधि अगर अपन बात करें तो उसमें इस तरह की कोई भी आपको जो है सावधानी रखने की, प्रिकॉशन रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसी के लगभग आपका चालकता मापी विधि द्वारा भी रिजल्ट आता है और अंत बिंदु तो इसे आसानी से निकाल, जबकि यहाँ पर अगर आपको अंत बिंदु ज्ञात करना है सामान्य विधि से तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानियां हैं वो रखने की जरूरत पड़ती है। अब देखिए इसके अलावा बात करें कि जो आपकी चालकता मापी विधि है इसके बाद बात करें कि भी अगर तनु अम्ल है और तनु क्षार है उनका अपन अनुमापन भी कर सकते हैं, जबकि सामान्य विधि द्वारा ऐसा संभव नहीं है। चौथा एडवांटेज क्या है कि अगर आपका कैसा विलयन है, तनु अम्ल है व तनु क्षार है, अगर उनका क्या करवाते हैं अपन अनुमापन कराते हैं तो चालकता विधि से तो संपन्न हो जाता है, चालकता विधि से क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। जबकि अपन यहीं पर इसी की अगर बात करते सामान्य विधि का तो यहां पर सामान्य विधि द्वारा आपका संपन्न नहीं होता, वहां पर किसी एक का प्रबल होना आवश्यक होता है, जबकि यहाँ पर दोनों ही अपन क्या ले सकते हैं, दुर्बल ले सकते हैं, दोनों ही चालकता विधि द्वारा क्या कर देते हैं, अनुमापन संपन्न करा दिए जाते हैं, सामान्य विधि में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये था इसमें इसका चौथा गुण। अब देखिए इसमें एक पांचवें गुण की बात करते हैं कि इस विधि द्वारा क्या है, जो आपका प्रबल और दुर्बल जो अम्ल है, क्या है आपका प्रबल और दुर्बल अम्ल का जो मिश्रण है उसमें भी अनुमापन किया जा सकता है। किसमें बताया कि भाई यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, आपका प्रबल अम्ल वह दुर्बल अम्ल इनके मध्य भी अपन क्या कर सकते हैं, अनुमापन संपन्न करा सकते हैं। तो ये सामान्यतः एक ऐसा गुण है कि भाई इसमें ये चीज आसानी से की जा सकती है कि दोनों का यदि अपन मिश्रण बना रहे हैं
आपकी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो दोनों के द्वारा आपका क्या किया जा सकता है, अनुमापन संपन्न करा सकते हैं। सामान्य विधि में आपने देखा था कि प्रबल अम्ल है तो दुर्बल छा ले ली, प्रबल अम्ल ले लिया प्रबल छा ले ली, तो यहाँ पर ये कंडीशन है वो आपको देखने को नहीं मिलती कि भी चालकता विधि है वो क्या करेगी, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दोनों के बीच में क्या करवा देती है, अनुमापन संपन्न करा देती है। देखिए यहाँ पर जो मुख्य कारण इसका जो है वो इसकी चालकता है, कि अपन चालकता के आधार पर जो है इसमें क्या कर सकते हैं, ये अनुमापन संपन्न करा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे, कुछ लाभ थे जिसके बारे में अपन ने आज के अपने वीडियो में देख रहे हैं कि अगर आपका विलयन गहरे रंग का है तो सामान्य अनुमापन संभव नहीं है क्योंकि अंतः बिंदु का पता ही नहीं चलता। तो चालकता विधि अनुमापन है, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, अंतः बिंदु आपका आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी विलयन का रंग है वो यहाँ पर जो चालकता है उसको कोई प्रभावित नहीं करता, मतलब यहाँ पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता, आपका विलयन का रंग गहरा है या किसी और तरह का। दूसरा एडवांटेज अपन ने बात की कि भी अगर आपके अत्यंत तनु विलयन है तो अत्यंत तनु विलयन के लिए जो अपन बात करें सामान्य अनुमापन संभव नहीं है, उसका चालकता अनुमापन द्वारा ही किया जा सकता है। इसी तरह से बात करें चालकता विधि द्वारा है अंतः बिंदु ज्ञात किया जाता है, जो आपके अपन कह सकते हैं कि सामान्य अनुमापन विधि द्वारा भी ज्ञात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर सामान्य अनुमापन विधि संपन्न कराई जाती है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सावधानी की आवश्यकता होती है, जबकि चालकता मापी में सावधानी की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करें अगर आपका तनु अम्ल और तनु क्षार अगर अनुमापन कराते हैं तो चालकता विधि द्वारा क्या है ये संपन्न कराया जा सकता है, जबकि सामान्य अनुमापन विधि में संभव नहीं है। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पर आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है तो उनके मध्य भी अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो अनुमापन है वो संपन्न करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपके कुछ खास नोट्स दे रखे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि चालकता विधि द्वारा जो अनुमापन किया जाता है, इस अनुमापन के लिए क्या बताया गया है कि ये जो विधि है इसमें आपके जो इलेक्ट्रोड है उसमें जो पदार्थों की अपन कहते हैं या कहते हैं जो आयनों की सांद्रता है उसमें परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो आपकी चालकता मापी विधि है, इस चालकता विधि मापी में अपन क्या कह सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया हुई है इसमें अपन क्या देखेंगे, इसके फलस्वरूप जो आयन है उसकी सांद्रता में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, कि पहली चीज क्या देखी भी यहां पर आयनों के अंदर परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलेगा। इस क्या बताया गया है कि चालकता मापी में जो ये इस तरह का जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, ठीक है कि भाई अपन क्या कह सकते हैं आयनों की सांद्रता है उसमें ये इस तरह, तो यहाँ पर क्या इस प्रभाव के कारण जो आपके उदासीन करने के लिए अपन क्या कहें, तो यहाँ पर उदासीन करने के लिए यहाँ पर आपके प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसका उपयोग किया जाता है। अपन यहाँ कह सकते हैं कि चालकता मापी विधि है उसमें जो आपके हैं प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग करने का कारण क्या है कि इसकी जो क्षमता है एक तो, और दूसरी इसके द्वारा जो आपके वैल्यूशन आती है या आपकी धारा का जो प्रवाह है वो एक निश्चित माप के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अपन बात करें ये जो धारा है ये 60 से लेकर 10,000 चालकता पर सेकेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कि इतने वाहन की जो है प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर आपकी उत्पन्न की जाती है। जबकि यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर ये जिस धारा है इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका आपके अल्टरनेटिव कंडक्ट आपकी करंट बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अपन बात करें आपकी जो डीसी
दिस धारा जो है अपन उसकी बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इसके द्वारा जो मान प्राप्त होता है आपकी चालकता विधि मापी में, उसमें आपकी क्या उत्पन्न हो जाता है, कुछ ना कुछ जो है इसमें आपकी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है मान में। मान में क्या उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर त्रुटि उत्पन्न हो जाती है कि जो मान है पूर्ण रूप से ना आकर लगभग मान है वो इसमें आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके आपके एडवांटेज ऑफ कंडक्टिविटी ट्रांजिशन, चालकता मापी जो आपकी है उसके अनुमापन के लाभ। अब देखिए इसमें आगे अपने वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड जो आपके अनुमापन संपन्न कराए जा रहे हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इससे ये जो इसका थोड़ा लास्ट का पोर्शन था इसको पहले कराने के कारण क्या है कि ये चीज़ें जो पहले से पता होंगी तब अपने को ध्यान में रहेगी कि भाई ये क्यों किए जाते हैं, चालकता मापी जो है उसका यहाँ पर खास यूज क्या है। तो अपने को इसके आधार पर अपन क्या कह सकते हैं जब अपन को पढ़ेंगे तो अपने को वहाँ पर आसानी रहेगी। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नॉलेज बढ़ाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।